स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है आज। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आज भी लोगों के दिलों में साहस की ज्वाला जलाती है। उनके 155वें बलिदान दिवस पर झांसी से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बोल सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बोल सिर्फ झांसी की रानी की वीर गाथा नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई पहली लड़ाई के बोल हैं। झांसी का यही वो किला है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति की अलख जगाई। ये किला आज भी रानी लक्ष्मीबाई की विजय गाथा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। रानी झांसी ने जो कुछ किया वो इसी किले पर, इसी किले के साथ बैठकर उसके जीवन की एक कड़ी है जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। और आज प्रत्येक भारत का नागरिक, विश्व का वो आदमी जो इस किले में आता है, वो उस किले के अंदर पहुंच के रानी की उस आत्मा की आवाज को, उस स्पंदन को महसूस करता है कि रानी ने वास्तव में यहाँ पर स्वराज की कल्पना करी थी और उस स्वराज की कल्पना को आज हम साकार देख रहे हैं। सन 1857 के गदर में रानी ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया था। इस वीरांगना के आगे अंग्रेज मानो बौरी हो गए थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला जगाकर रानी लक्ष्मीबाई आज ही के दिन 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। आज भी वो महिलाओं के साहस का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिस लड़ाई ने पूरे विश्व में संदेश दिया कि हमारी माँ केवल जन्म देने वाली नहीं होती है, बल्कि वो भी हमारी माँ है जिस माटी में हमने जन्म लिया। और उस माटी की रक्षा के लिए उन्होंने जो जंग लड़ी, उस जंग ने इतिहास की छाती चीर कर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों से ज्यादा मातृभूमि को चाहा और राष्ट्र के लिए सर्वस्व निछावर किया। इस वीरांगना को आज भी पूरी दुनिया सलाम करती है। धर्मेंद्र साहू के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो झांसी।